इस मोटे ने शायद से मेरे को देख लिया। स्लेंडर बॉय। चल पानी वर्सेस मोटे स्लेंडरमैन, ठीक है। चलो फिर से पानी अटैक यूज करना पड़ेगा। बह जाओ ओसेनो में, बह जाओ। राइट, यू वांट टू फेस मी। कम ऑन, फेस द फायर। यार फायर तो बहुत ही कमाल का है। मैं पहले तो इस श्राइन को मुक कर देता हूं, ठीक है। शिट, किस मेरे को किसने पकड़ लिया? ये कौन है बे? अच्छा जी, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज गाइस, हो सके तो लाइक जरूर से कर देना, एंड वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। गाइस, इस भूटिया टाउन में आप सभी भाइयों को मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा गाइस, एंड आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाइलाइट्स में तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे भूत का सामना होगा आज, ठीक है। बट आज मैं भूतों को बड़े ही आराम से मार पाऊंगा, थोड़े से फास्टर तरीके से मार पाऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे पास एक न्यू पावर है, एंड वो न्यू पावर ये है गाइस, आग वाला पावर। आप लोगों ने मेरे ये वाले पावर को तो देख लिया था, ठीक है। ये है आई थिंक विंड वीविंग, ये है मेरा विंड वाला पावर, ठीक है। ये विंड पावर है, अब मेरे पास फायर पावर भी है। तो चलो गाइस देखते हैं इधर भूत कहां पर है। इधर भूत गाइस जैसे कि देख पा रहे हो, यहां इधर एक स्लेंडरमैन है। तो चलो गाइस स्लेंडरमैन को ही मार करके दिखाते हैं। ए स्लेंडरमैन, मरना है तेरे को, डर नहीं लगता? ये ले गाइस, देख रहे हो आप गाइस, ये देखो। मैं ना इसका कोर भी बहुत फास्टर तरीके से उड़ा सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ गाइस। आप लोग खुद ही सोचो कि इतना पावरफुल तो बन रहा हूँ, इतना पावरफुल बनने का मतलब रीज़न क्या है। एंड गाइस ये देखो, इतने दिनों से गाइस मेरे पास फ्लैशलाइट था, ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं था, ठीक है। मेरे पास फ्लैशलाइट भी है। एनीवेज गाइस फटाक से ये ले लेते हैं। एंड गाइस मैं क्या बोल रहा था, मैं इतना पावरफुल क्यों बन रहा हूँ, क्योंकि गाइस बहुत स्ट्रांग वाले भूत निकलने वाले हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग वाले भूत निकलने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। एंड गाइस लेट्स गो यार। ओ यहाँ पे और भी आत्माएं हैं, चलो ले लेते हैं आत्माओं को। एंड गाइस और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ गाइस, ये देखो तो उरे बाप रे गाइस, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक है, मैं इनको कंज्यूम कर सकता हूँ क्या? कंज्यूम करने के लिए क्या भी दबाना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दबा पा रहा हूँ मैं। कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? आई डोंट नो हाउ टू कंज्यूम इट। कंट्रोल से कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं पता नहीं गाइस कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। एनीवेज गाइस आज मुझे मेन मिशन करने के लिए जाना है, मैं आज कोई भी साइड मिशन वाइड मिशन नहीं करने वाला हूँ। एंड व्हाट इज दिस गाइस? जीजस स्टैचू, फटाक से जीजस स्टैचू में जाऊँ क्या? फटाक से चलो गाइस जीजस स्टैचू में जाते हैं। आई थिंक गाइस मैं इस वाले में जीजस स्टैचू में ऑलरेडी गया हूँ। एंड गाइस मेन मिशन करने के लिए आई थिंक गाइस, व्हाट इज दिस? इतने दूर में जाना पड़ेगा क्या? व्हाट इज दिस? और अब बाप रे गाइस, मेज ऑफ डेथ, ये कितने दूर में है ब्रो, ये कितने दूर में है यार? इतने दूर में मैं जाऊँगा कैसे? फटाक से एक काम करता हूँ, तो मैं फास्ट ट्रैवल भी कर पाऊँगा, राइट। तो फटाक से फास्ट ट्रैवल करके मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। एंड इधर ना गाइस, फास्ट ट्रैवल तो कर पाएंगे ही, प्लस गाइस एक मिनट, फास्ट ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ क्या? वाई एम नॉट एबल टू फास्ट ट्रैवल इन दिस लोकेशन? अच्छा फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे, आर दबाते ही फास्ट ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस साइड में ही एक फोन बूथ है, तो उधर मैंने जितने भी मतलब भले आत्मा को कैप्चर करा है, उन भले आत्माओं को मैं रिलीज करूंगा। ओके मैं श्राइन में आ चुका हूँ। एंड गाइस एक मिनट, ये कौवा इधर ही है ना ब्रो, ये देख रहे हो, ये कौवा बहुत ही कमाल का है, इसका नाम है योकाई, ठीक है। एंड गाइस ये एक अर्बन लेजेंड है, ये अर्बन लेजेंड वाला एक कौवा है यार। इस गेम में तो ये कौवा मेरे को कुछ भी नहीं कर रहा है, बट फेस्मोफोबिया करके एक भूटिया गेम है, आप सभी भाइयों को शायद से पता होगा, उस गेम में ये कौवा अटैक भी करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये कौवा यार भूटिया ही है, ठीक है, बट इस गेम में मैं खुद भूट हूँ यार, ये लोग मेरे को क्या अटैक करेंगे? एनीवेज मुझे जाना किस तरफ था? हाँ मुझे जाना, मैं फटाक से ना मार्कर सेट कर लेता हूँ, मैं फटाक से मार्कर सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। पहले तो इस वाले श्राइन पर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके फटाक से पहले यहाँ इधर मैं ये लगा लेता हूँ। ओके नाउ लेट्स गो, पहले फोन बूट को ढूंढते, वो रहा फोन बूट। ओए यार मेरे को कुछ नहीं हुआ यार, मैं इतना ऊपर से गिरा फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। एनीवेज गाइस फटाक से इस दरवाजे को खोलते हैं, इस दरवाजे को खोल करके गाइस कच्चीरो में जितने भी आत्माएं फंसे हैं। एंड गाइस मैं जो पेपर होल्ड कर रहा हूँ जहाँ पे, ये देखो एक मिनट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरे पास अभी 200 स्पिरिट है, इन 200 स्पिरिट के बदले में मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, एंड साथ ही साथ गाइस मुझे एक्सपी पॉइंट्स भी मिलेगा। एंड गाइस मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, नाइस यार। एंड गाइस 240,000 आत्माओं को मुझे रिलीज करना है, तो आप लोग खुद से ही सोच सकते हो कि मुझे कितने सारे आत्माओं को रिलीज करना है। नाउ गाइस आई नीड टू गो ओवर दिस प्लेस, गाइस फटाक से देख लेते हो। एंड गाइस मेरा एचपी भी बढ़ गया है यार, 114%। ओके पहले इन आत्माओं को ले लेता हूँ। ओके चलो, ओके यहाँ पर कोई भूत
भूत तो नजर नहीं है। शिट शिट, ये क्या हो गया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया यार। ओ चलो यार कंज्यूमेबल। ओ अच्छा, सीड अबाते ही मैं कंज्यूमेबल्स को पी सकता हूँ। और एक खा ले ब्रो, और एक खा ले ब्रो, डन। तो इधर में नहीं जा सकता हूँ तो फिर कैसे जाएंगे मन? अच्छा पूरा घूम के जाना पड़ेगा क्या यार? घूमने वाला सिचुएशन ही मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, फुल ऑन घूम के जाना पड़ता है ब्रो। आई डोंट लाइक दिस। चल आ जा, आप मैं आ जाओ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो यार। डेफिनेटली इधर से ही जाना पड़ेगा, डेफिनेटली गाइस मुझे इधर से जाना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, इधर एक डॉगी भी है। एंड यार अगर आप लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड को फॉलो किया है, आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि डॉगीज ना हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करेंगे? अरे वाओ, हाउ आर यू बेटा? तो पहले इसको थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं यार। डॉगीज यार कितना क्यूट है ना गाइस, ये ना हचिको की तरह है। आप लोगों ने हचिको मूवी देखा है यार? बहुत ही कमाल का मूवी है यार, मैं बताऊंगा नहीं स्पॉइलर हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ यार। एक डॉगी अपने ओनर के लिए यार वेट करता रहता है स्टेशन पे, और नहीं बोलूंगा ठीक है। बाकी आप लोग मूवी देख सकते हो। लेट ओ गाइस, आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे भाई, मेरे पास अभी डॉग फूड है नहीं। अगर मेरे पास डॉग फूड होगा तो मैं डेफिनेटली इस वाले लोकेशन पे आऊंगा ठीक है। आई एम सॉरी लिटिल बडी, गेस वी डोंट हैव एनी डॉग फूड। ये अपना कैरेक्टर भी बोल रहा है कि आई एम सो सॉरी बडी, अभी हमारे पास डॉग फूड है नहीं तो इसलिए दे नहीं पाए ठीक है। तो फटाक से ले लेते हैं, पता नहीं गाइस यहाँ पे भूत कहाँ पे हो सकते हैं। एंड गाइस एक मिनट गाइस, मैं इधर भी नहीं जा पाऊंगा राइट, तो फिर जा पाऊंगा? चलो गाइस मैं एक काम करता हूँ, फायर ब्रीड करता हूँ ठीक है। शिट नो गाइस, आई डोंट हैव एनी फायर पॉइंट्स विद मी। आंटी जी, ये आंटी ना, ये आंटी यार बहुत ही कमाल तरीके से फायर बॉल छोड़ सकती है। ए स्लेंडर स्लेंडर, मेरे ऊपर चीज़ें फेंकेगा तू, कहाँ पे चला गया? ये खुद मर गया ना आंटी, आपको मेरे साथ लड़ना है, आपको डर नहीं लगता? अरे स्लेंडर बॉय, ओ ये स्लेंडर, अरे बाप रे, पहले इस स्लेंडर मैन को दिखाना पड़ेगा कि मेरे साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ओके भाई साहब ये ले, अरे मरता क्यों नहीं तू? ओके अब तो मर जाएगा ब्रो, अपना कोड दे दे, अपना कोड दे 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 दे। ओके डन, इस आंटी को डेफिनेटली मारना पड़ेगा। आंटी जी आपका बहुत हो गया ठीक है, आपने मेरे ऊपर फायर बॉलेट छोड़ना, शिट क्या बचा मैं, आपने मेरे ऊपर फायर बॉलेट छोड़ना बंद करो, बंद करो, खत्म हो चुकी है। चलो गाइस अब मैं इधर से निकल पाऊंगा फॉर श्योर, नहीं पाऊंगा शायद से, क्योंकि गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ यहाँ पे वही यार खतरनाक धुआं है, देखते हैं। ना ना नहीं जा पाएंगे ब्रो, नहीं जा पाएंगे। तो मे बी गाइस मुझे कुछ अलग ही चीज़ करना पड़ेगा, इधर से तो गाइस कोई जाने का वे है ही नहीं। नो गाइज आई कैनॉट गो टू दिस प्लेस, एंड वट इज़ दिस, ये क्या है? सिबुया सेंट्रल हॉस्पिटल, तो मैं फटाक से ये कर लेता हूँ, ये भी मेन मिशन है क्या? मुझे ओ मेरे पास स्किल पॉइंट्स भी है, मेरे पास 10 स्किल पॉइंट है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज ये क्या है, कॉजेस ईडर टू, ओके चलो ये खोल लेता हूँ। तो इस वाले मिशन को करने के लिए जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, मुझे एक मिनट, इस वाले मिशन को करने के लिए हैड फॉर केगरी ऑब्जर्वेशन डेक, केगरी ऑब्जर्वेशन डेक मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया मैन, केगरी ऑब्जर्वेशन डेक। गाइज यहाँ पे एक श्राइन मैंने अभी तक नहीं खोला है, आई थिंक ये वाला श्राइन मेरे को खोल के जाना चाहिए। यस गाइज ये वाला श्राइन तो मैं खोल के ही जाऊँगा। प्लस गाइज देख लेते केगरी ऑब्जर्वेशन डेक, व्हाट इज दिस? फिल्म कैमरा, थोड़ा सा मैप को ऐसे करता हूँ। केगरी ऑब्जर्वेशन डेक, व्हाट इज दिस? ये तो मेन मिशन है, केगरी ऑब्जर्वेशन डेक ना कहीं इधर ही कहीं पर होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ओके कागुरा सुजू, आज ओके प्लान बी, ये देखते हैं, नहीं नमीटर श्राइन। व्हाट इज दिस? फिल्म कैमरा, ये है हैंडीक्राफ्ट नेकोमोता, केगरी ऑब्जर्वेशन डेक। अब ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगा आई डोंट नो, बट फटाक से आई थिंक मुझे एक काम कर लेना चाहिए। आई थिंक गाइज मुझे इस तरफ से जा करके ये वाला श्राइन ओपन कर लेना चाहिए ठीक है, क्योंकि ये वाला श्राइन बंद है तो डेफिनेटली गाइज इस श्राइन को खोलना पड़ेगा। ओ बट गाइज जैसे कि देख पा रहे यहाँ पे एक पेड़ है, इस खतरनाक वाले शापित पेड़ को पहले तो उड़ाना पड़ेगा। फटाक से देख लेते हैं इधर, ओके कोर पॉइंट वो रहा, चलो कोर पॉइंट पे मारते हैं अपना शक्ति। एंड गाइस मैंने इस यार भूतिया पेड़ को उड़ा दिया। चलो गाइस इथर ले लेते हैं, फायर पावर सिर्फ मेरे पास एक ही है। फटाक से पहले तो स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके ओके मैंने स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। एंड एक मिनट गाइस,
घुसा माटे इधर, चलो देखते हैं इधर भूत है क्या। भूत तो आई थिंक है। What is that thing? Okay guys, मैं इधर आ चुका हूँ। अब चलो गाइस, पहले तो इस श्राइन को मुक कर देता हूँ, ठीक है? Shit, किस मेरे को किसने पकड़ लिया? ये कौन है बे? अच्छा जी, do you want to fight me? Yeah. Shit, मार दिया मैन। भाई साहब, मैं तो लिटरली डर गया था यार, झूठ क्यों बोलेंगे। पहले क्लेंस कंटे मुझे मारने के लिए डेफिनेटली आएगी। पकड़ ली। ओके, ठीक है, करो, गिव मी योर राइट हैंड। शिट, नाइस वन। आ जाओ। गाइस, मर जाऊंगा। मरना नहीं है मेरे को। फायर पावर गाइस, ये फायर पावर तो लगा ही नहीं। गाइस, मैं तो फिर से मर गया यार। ये भूत कहां से निकलती है यार? मैं फिर से करना वाला हूं, ठीक है? लेट्स डू इट। पकड़ ली। मारो। चलो गाइस, अब उड़ाते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले तो भागते हैं एंड पहले कंज्यूमेबल को पी लेता हूं। आप चलो गाइस, फायर पावर यूज। शिट, वेट, ये लो, फायर पावर, फुल फायर पावर एक्टिव। कमाल का मारा मैंने, और एक फायर पावर है मेरे पास। शिट गाइस, चल, खा ले। ओह गाइस, आई गॉट अ वेरी कूल थिंग। आ जाओ, इनको इधर आने दो। ओके, फोर डिया गाइस, ये सिलेंडर, आ जाइए। Oh no! Fire power activated and let's release this fire power. Yeah. Guys, क्या मजाक कर रहे हो क्या? Shit! Guys, मेरे पास fire की शक्ति फिर से आ चुका है। Yeah. अब तो खत्म। Bye bye ma'am. आपका खेल इधर तक ही था। And मैंने इनको हरा दिया यार। ये जो भी थी ना, ये खतरनाक थी। फटाक से देख लेना पड़ेगा इनके बारे में। फटाक से डेटाबेस में जाते हैं। एंड व्हाट इज दैट थिंग, आई डोंट नो, बट ये जो भी थी काफी खतरनाक थी। एंड गाइस, ये तो कैरेक्टर में ही निकलेगी फोर्सी। व्हाट इज दिस, क्या है? कुची साके, ए टाइप ऑफ विजिटर बॉर्न फ्रॉम फ्रेंचाइज रेस, दे विल्ड डेडली वन हैंडेड वेपन एज द शिट। कुची सागे, बाप रे गाइस, बड़े से यार कैंची से ये काटने के लिए मतलब काट देती है यार। सी सो स्ट्रॉन्ग भाई साहब, ये सिलेंडर ने मेरा जान बचा लिया मैन। अब मुझे फिर से डर लग रहा है कि ये कुची कागे या फिर जो भी है ये फिर से आ जाएंगी क्या। चलो, अब तो क्लेंस कर पाएंगे। यस, अब तो क्लेंस कर दे। एंड फाइनली गाइस, मैंने क्लेंस कर दिया। एंड जैसे ही मैंने क्लेंस करा, आई थिंक गाइस सामने वाला एरिया खुल चुका है। एंड गाइस, आई गॉट ए वेरी न्यू पावर, ठीक है? ये वाला एरिया खुल चुका है, जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कहाँ तक खुला है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट श्राइन मुझे ये वाला श्राइन खोलना पड़ेगा। सो लेट्स टेक दिस पावर फर्स्ट। ये पावर ले लेता हूँ। यस गाइस, मुझे विंड पावर। ये नहीं गाइस, दिस इज आई थिंक वाटर पावर। गाइस, ये वाटर पावर है यार। नाइस, वाटर वीविंग गाइस। अब मैं विंड वीव कर सकता हूँ, फायर वीव कर सकता हूँ एंड अब वाटर भी वीव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं तीन मेन एलिमेंट्स को वाटर, फायर एंड विंड को मैं वीव कर सकता हूँ। विद वाटर वीविंग इज एन अटैक विद एक्वेटिक ब्लेड्स दैट स्ट्राइक ए वाइड एरिया। वाओ गाइस, वाइड एरिया डैमेज दे पाएंगे, मेकिंग देम डेडली एट क्लोज रेंज। डेडली मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल डैमेज देगा क्लोज रेंज में। चार्जिंग द अटैक विल लॉन्च ए वेव दैट कास्ट थ्रू विजिटर्स। अच्छा जी, तो गाइस अगर मैं होल्ड करके अटैक करूंगा ना, तो बहुत सारे यार भूतों को मार पाएंगे, ठीक है? सो लेट मी सी गाइस, यहाँ पर कोई भूत वगैरह है क्या? भूत वगैरह इधर तो नहीं देख रहा है, बट यहाँ पे अच्छे वाले स्पिरिट्स वगैरह को नजर आ रहे हैं। सो लेट मी चेंज दिस, एक मिनट। ओके, लेट्स गो, इधर से निकलते हैं। व्हाट इज दिस थिंग अगेन? आई थिंक गाइस ये लिफ्ट है, मैं इस लिफ्ट के ऊपर जा पाऊंगा। पहले इन आत्मा, नो, ओके, चलो जी, ओके,
तो अगर मैं इधर पुश करूँगा, ओके मैं ऊपर आ चुका हूँ। एंड गाइस फटाक से देख लेता हूँ ऊपर कोई भूत, ये कुशीसाके या जो भी है, ये भूत है क्या इधर? आई डोंट थिंक सो सी इज हियर, बट मैं जिस एरिया में हूँ इधर देख लेता हूँ इधर क्या हो सकता है। इधर तो कुछ भी नहीं है, बट इधर कप्पा 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 मिशन कर सकते हैं ब्रो। आई थिंक कप्पा को मारना पड़ेगा। एनी वेज गाइज इधर मेरे को स्लेंडरमैन्स नजर आ रहे हैं, तो फटाक से गाइस अपना वाटर टेक्निक यूज़ करेंगे। आ जाइए मैं आप वाटर टेक्निक से इन लोगों को मारने वाला हूँ। वन टू थ्री से साबा साबा। ओह शिट यार, दे दो अपना कोर दे दो। अरे मैंने दोनों को एक साथ मार दिया क्या? अरे बाप रे, गो टू द साउथ स्टेशन एग्जिट, दैट्स वेयर द एंट्रेंस ऑफ टू काइगरीज। अच्छा गाइस एक चीज गाइस, ये काइगरी है क्या? नहीं वे तो ये इस श्राइन का नाम क्या है कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। एंड गाइस काइगरी आई थिंक गाइस टेंगो पे फोन, इस श्राइन का नाम क्या है मुझे देखना था। श्राइन का नाम नहीं आ रहा है ब्रो, श्राइन का नाम तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बट लेट्स गो हेड फॉर काइगरी। चलो फटाक से अपना पावर ले लेता हूँ। लेट्स गो, कुछ पैसे भी मुझे मिले। लेट्स गो, देख लेते हैं भूत वूट है क्या। कोई भूत तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है, बट ये इधर ना ये है, योकाई है वो भूतिया चिड़िया। वेट ए मिनट गाइस, आई गॉट अ जीजू स्टैचू। ये तो जीजू स्टैचू है। फटाक से यार प्रे करते हैं। चलो ये मुझे क्या ग्रैंड करे, मैक्स फायर पावर। गाइस अब मेरा फायर पावर बढ़ चुका है, ये देख रहे हो मेरा फायर पावर बढ़ के कितना हो चुका है गाइस, छह हो गया। ठीक है, नाइस वन, वेरी नाइस, नाइस वन। लेट्स गो, जाना किस तरफ है से है? कोई भूत तो नहीं है इधर। स्पिरिट्स एंड भूत है। पानी अटैक, आजा 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 शिट। चलो फिर से पानी अटैक यूज करना पड़ेगा। बह जाओ ओसेनो में, बह जाओ। राइट, यू वांट टू फेस मी कम ऑन, फेस द फायर। यार फायर तो बहुत ही कमाल का है। मैन, यू वांट टू फेस मी अगेन, कम ऑन। वेयर इज सी, वो ये कहां पे चली गई लड़की? अच्छा आप इधर हो, चलो अपना पावर मुझे दे दो। एनीवेज गाइस मुझे यहाँ पे एक पे फोन मिला। अब गाइस चलो फटाक से कच्चीरो में जितने भी आत्मा फंसे हुए हैं आत्माओं को रिलीज करके देता हूँ। ठीक है, और ये ऐसे करके यार टाइप किया इसने अभी। चलो गाइस मेरे पास 619 स्पिरिट्स है, भले आत्माएं हैं, इन लोगों को रिलीज करके देता हूँ। डन। डर तो लग रहा है मैन, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि आज के दिन मुझे इतना खतरनाक वाले यार ये स्पिरिट्स देखने को मिलेंगे। एनीवेज गाइस मुझे अपना पावर लेके जाना पड़ेगा। एंड डॉग, इधर और एक डॉग है, बट मेरे पास डॉग फूड नहीं है दोस्त, मेरे पास डॉग फूड एकदम नहीं है। अगर मेरे पास डॉग फूड रहेगा तो डेफिनेटली आई विल फैच यू, ओके? फैच नहीं, आई विल फीड यू, यस, ओके? चलो आत्मा को लेते हैं। मुझे जाना किस तरफ से? ओके गाइस मैं तो सही जा रहा हूँ। मैन फायर पावर यार बहुत कम होते हैं यार, बिकॉज फायर पावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फायर पावर, मुझे अपना फायर पावर बचा के रखना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए मुझे अपना फायर पावर बचा के रखना पड़ेगा। एनी भूत? अच्छा ठीक है, आत्मा है, मेरे को लगा कोई ऑक्टोपस वाला भूत आ गया क्या। एंड यहाँ पे जितने भी आप लोगों को भूत देखने को मिलेंगे ना, सारे के सारे अर्बन लेजेंड्स वाले भूत हैं। ठीक है, कोई भूत नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे फिर से डॉग कौन बोल रहा है कोई भूत नजर नहीं आ रहा है। इधर है ना भूत, आ जाओ। शिट, कोड़े दो। ये नाइस, शिट, ओके डन, शिट, हेल्थ को रिजनरेट कर लेते हैं। शिट, मार नहीं पा रहा हूं यार। आ जाओ,
डन। चलो मैं तो तुमको हवा से भी मार सकता हूं। Do you want to face me? Where is she? मर तो नहीं गई है शायद, मर गई है वो। नहीं, इधर और एक है, ये लो। दे दो। डन। यहाँ पे इतना बड़ा एक कूड़ादान है। बाप रे, एक मोटा स्लेंडरमैन। इस मोटे ने मेरे को देख लिया क्या? गाइस इस मोटे ने शायद से मेरे को देख लिया। स्लेंडर बॉय, स्लेंडर बॉय। वो चल, पानी वर्सेस मोटे स्लेंडरमैन, ठीक है? पानी वर्सेस मोटे स्लेंडरमैन। हाँ, अपना छतरी से यार अटैक को ब्लॉक कर रहा था मोटे। हैं मोटे, तेरे को डर नहीं लग रहा है? मेरे पास इतना पावर है मैं मोटे। शिट, चल इसको आग का टेक्निक दिखाना पड़ेगा। चल यार, आग का टेक्निक दिखाना ही पड़ता है यार। इस मोटे को तो उड़ा दिया मैंने। ले लेते हैं। व्हाट इज दिस अगेन? जीजू स्टैचू। अब मेरा वाटर एसपी बढ़ गया। नाइस वन, नाइस वन। म्याओ, आओ। ये म्याओ मुझे कुछ सेल करेगी क्या करेगी? आई हैव गॉट गुड स्टफ्स। ओके, ये क्या है? डिसाइड ऑक्टोपस फ्राइड, ले लो क्या? चलो यार, इधर तक आए हैं तो लेके ही जाते हैं। थैंक यू सो मच यार म्याओ जी। ओके, नो भूत ओवर हियर ना? भूत तो नहीं है, चलो बट इधर ये है, आत्माएं हैं। डन। ओके लेट्स गो यार। कोई भूत है क्या? कोई भी भूत है नहीं, ठीक है? इधर कोई भूत है नहीं। व्हाट इज दिस? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा ये भी एक भूत ही है। ओके डन। मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ क्या? मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, राइट? ओके, ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा, आई थिंक सो। नहीं नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जाना है। ओके, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, आराम से इधर से भी जा सकता हूँ। अब सही जा रहा हूँ कि नहीं? हाँ सही जा रहे हैं मैन। चलो ब्रिज के ऊपर से ही जाते हैं, ठीक है? ओके अब देखते हैं कहाँ पे आ गया हूँ यार, कहाँ पे आ गया हूँ यार, लिटरली गाइस मैं कहाँ पर आ गया हूँ? ओए, ये छतरी वाला, ये तो यार लिटिल नाइटमेयर वाला यार वही बच्चा है ना? व्हाट इज दिस थिंग? Shit! Oi! क्या हुआ मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया। आई थिंक आई नीड टू यूज द फायर पावर टेक्निक। ये मेरे को ऊपर ही। यो 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 यो, चलो फायर स्टाइल जुत्सु, फायर स्टाइल जुत्सु। ये खत्म, फिर से लड़ेगा क्या? बहा देंगे ब्रो, बहा। बहना है तुम लोगों को ये स्लेंडर वुमेन? गाइस ये तो स्लेंडर वुमेन है, बहना है तुम लोगों? हाँ नहीं बहना है क्या? चलो दे दो अपना कोर। शिट, ये बच गया यार स्लेंडर वुमेन के कारण। दे 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 दे, तेरा कोर दे दे यार। शिट गाइस, मैं तो मर जाऊंगा ब्रो, मैं कसम से मरने वाला हूँ ब्रो। गाइस मैं मर जाऊंगा फॉर श्योर गाइस, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड पता नहीं गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, फटाक से कुछ तो खा ले। Shit!
ये लोग कहाँ पे चले गए यार? भाई साहब यार, तुम लोग इस बार बचोगे नहीं, बहुत हो गया। क्या मारा मैंने यार, आ जा। एक तो गया। शीट, ये भी गई। तेरे को भी मरना है, तेरे को भी मरना है, ये ले। हैं यार, मैं अपना फायर पावर यूज नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे को मारते ही रहो, मारते ही रहो। एंड वो लिटिल नाइटमेयर वाला किड ना काफी डेंजरस निकला यार। चलो जी यार, क्या मारा मेरे को यार, मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया यार। व्हाट इज दिस? पैसा? पैसे तो मेरे पास ढेर सारे हैं वैसे। मोटा स्लेंडरमैन इज हियर गाइस, ये मोटा है, इधर फिर से है। इस मोटे स्लेंडरमैन को यार दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूं। चलो डायरेक्ट फायर पावर ही यूज करते हैं। आर यू रेडी? ओह, एक अलग ही बुढ़िया टाइप है गाइस, एक अलग ही बूढ़ी टाइप इधर भूत निकल रही है। तू इतना फास्ट क्यों है मैन? डू यू वांट टू डाई बडी? डू यू वांट टू डाई? शिट, अब ये तो पॉइजनस यार कुछ चीजें फेंक रही है यार ये वाली और भूतिया औरत। ओह शिट गाइस, मुझे अपने वाटर पावर को चार्ज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स वाइप देम आउट। एक मिनट यार, मोटे रुक जा, मोटे तेरा गेम बच गया। ये मोटे को कुछ नहीं हो रहा यार, सीरियसली फायर टेक्निक ही यूज करना पड़ेगा इसके ऊपर। डे को डे, मोटा गया, मोटा तो गया, मोटे को उड़ा दिया। ये ले, तू भी गया। शिट, रुक जा। तेरे भाई ने तेरे को बचा लिया ब्रो, ये गायब हो चुके हैं। आजा। अच्छा, मेरे ऊपर चीजें फेंकेगा, ये ले। हाँ? मैं अपने विन टेक्निक से तुम लोगों को आराम से उड़ा सकता हूँ। खत्म। एक मिनट गैस, मुझे इस बड़े से गाड़ी को उड़ाना पड़ेगा। चलो यार, मुझे इतना तकलीफ यार सहना पड़ेगा, आई डिडंट न्यू दैट। फायर स्टाइल जुत्सु, खत्म। आई थिंक खत्म नहीं हुई है। दे दे, तू अपना कोर मेरे को दे दे। ओ, मैं आपका ये फायर बॉल ना आराम से उड़ा सकता। दे दो अपना कोर, दे दो, खत्म। What is happening? कोई है क्या इधर? क्योंकि मेरे को ना for far far long we have shackle inside our own bodies. एक ओ गाइज, इधर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा ब्रो, ऊपर ही जाना पड़ेगा। फटाक से गाइज ये तोड़ लेता हूँ। ओके एक मिनट गाइज, इधर थोड़े से खाना भी है। What is this? ये किसी भूत का आवाज है कि क्या है पता नहीं। शिट। ओके गाइस, मैं पहुंचने वाला हूं। समथिंग इज हियर। ओके, कोई ना कोई भूत इधर। ओ, उधर एक लड़की है। एंड इधर भाई, तू वही इंसान है ना जो कप्पा के बारे में मुझे बताने वाला है? एक मिनट फटाक से देख लेता हूँ। ये वही इंसान है जो मुझे कप्पा के बारे में बताने वाला है। एंड गाइस, मैं उसी इंसान के पास हूँ, पास आया हूँ। एंड एक्चुअली ना, मुझे इधर जाना था, इस श्राइन में जाना था यार। शेट गाइस, बट मैं इसके पास आ गया हूँ। देयर सेम टू बी स्पिरिट कप्पा। तो क्या गाइस, क्या मुझे इसके साथ बात करना चाहिए? क्या कहते हो गाइस? एनीवेज गाइस, इधर ये बिल्ली रानी, तुम्हारे पास डॉग फूड है क्या?
ये बिल्ली नानी तो काफी मोटी है यार। हेलो, डॉग फूड है ना? थोड़े बहुत मुझे डॉग फूड खरीद लेना पड़ेगा यार। कैसे खरीदते हैं? स्लाइड करना पड़ेगा क्या? ओके, पैसे तो है मेरे पास, 6 डॉग फूड है, खरीद लेता हूँ। एरोज भी खरीद सकते हैं राइट? तो मुझे थोड़े से एरोज भी चाहिए। आई थिंक गाइस मुझे एरोज ज़्यादा अमाउंट में ही चाहिए, मुझे 10। ओके, मेरे पास अभी ढेर सारे एरोज आ गए हैं आई थिंक। एंड मुझे ये कितने का है? 150 रुपये का। तो मुझे सस्ता सा कुछ खरीद, डोरिया की, ओके ये डोरा केक है ना, तो ये भी कुछ खरीद लेता हूँ 3 अमाउंट में। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपसे यार मिलके अच्छा लगा। चलो इधर तक आए हैं तो इनका यार डेफिनेटली कप्पा वाला मिशन करके जाते हैं। यू माइट नॉट बिलीव दिस बट ए लॉन्ग टाइम अगो दिस एरिया यूज टू बी कॉल्ड कप्पा स्वाम, बट व्हाई दे समटाइम्स फाइंड बॉडीज अराउंड हियर। अच्छा, एंड देन एवरीबॉडी जस्ट ब्लेम इट ऑन ए कप्पा। अच्छा, कप्पा तो पता है ना, अगर कप्पा नहीं पता है तो यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, एक फोटो आप लोगों ने अभी देख लेना। अच्छा, मुझे ये चीज़ पता है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? ओके, बस यही चीज़ बताने के लिए आपने मेरे साथ बात किया, साइड मिशन कप्पा। तो ओ नहीं नहीं गाइस, मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो फटाक से चलो गाइस ये साइड मिशन करके ही जाते हैं, कोई टेंशन वाला इतना बात है नहीं। तो कप्पा मिशन करने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा? आई थिंक गाइस मैं फटाक से एक बार ऊपर जा करके देखता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फोन बोट राइट? तो इधर से भी गाइस मैं कच्छियों को लगा करके अपने आत्माओं को रिलीज कर पाऊँगा। मेरे पास जितने भी ट्रैप आत्माएं हैं लगा देते हैं। चलो ओके, यस, कितने? 505 स्पिरिट्स है मेरे पास। चलो डन, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने अभी तक लेकिन 6813 आत्माओं को रिलीज कर दिया है। एंड गाइस कप्पा पॉइंट में मैं आ चुका हूँ। एंड सीरियसली गाइस ये कप्पा पॉइंट जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सीरियसली पानी है यार, इधर फुलन पानी पानी है। इधर और एक लड़की है, आई कॉल आउट ए कप्पा बट व्हेन इट केम इट टुक समथिंग फ्रॉम मी, नाउ आई कान मूव, प्रॉब्ली टुक योर सिक्रो दामा, डोंट मैस विथ कप्पा, आई विल गेट इट, डोंट वरी। एनी मोर कुकीज? यस हियर। क्या चीज़ मिला मैन? गुड, दैट्स हाउ वी विल लियर इट आउट। वेट ए मिनट गाइस, साइड मिशन कप्पा। गाइस मुझे कप्पा के साथ बैटल करना पड़ेगा। एंड आप लोगों को पता है ना गाइस हाउ स्ट्रांग इज दिस कप्पा? भाई साहब ये कप्पा काफ़ी खतरनाक होते हैं। ठीक है, प्लेस द क्यूकम्बर। अब प्लेस द क्यूकम्बर मुझे इधर जाना पड़ेगा राइट? इधर जा करके मैं प्लेस करता हूँ। क्विट बिहाउंड, गेट दैट स्टैचू। कौन सा स्टैचू भाई? अच्छा मुझे इधर आना पड़ेगा। ओके गाइस, अब कप्पा आने वाला है इधर। आ गया गाइस, आ गया। सीरियसली एक कप्पा, व्हाट डू यू नो, स्टे बिहाइंड एंड वेट अंटिल इट्स ईटिंग। ओके, व्हेन इट्स डिस्ट्रैक्टेड वी मूव इन। गाइस ये आ रहा है, खा रहा है आई थिंक, इसने मेरे को अभी तक नहीं देखा है। यूज स्पेक्ट्रल विजन टू ट्रैक इट्स मूवमेंट। अच्छा, यस गाइस स्पेक्ट्रल विजन मैं यूज कर सकता हूँ। ओके ओके, ये आ रहा है गाइस खाने के लिए क्यूकम्बर को। हाइड बिहाइंड द स्टैचू। ओके, कप्पा को खाने देता हूँ। ओके कप्पा, लेकिन तेरा तो क्यूकम्बर इधर है ना, ये किधर आएगा देखते हैं। ओके ये आ रहा है, आ रहा है, ये घूम करके आएगा, घूम करके आएगा फॉर श्योर। ये एकदम इधर ही है गाइस, एकदम इधर ही है। ये एकदम कंफ्यूज स्टेट में है कि कहाँ पर मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है। जाले कप्पा, जाले 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 जाले, एकदम धीरे करके। अब शायद से गाइस ये खाएगा, एंड जैसे ही गाइस ये खाएगा मुझे जाना पड़ेगा इसके पीछे। एंड देन गाइस आई नीड टू किल हिम। चलो एब्जॉर्ब योर काय। मैंने फाइनली गाइस कप्पा को मार दिया। नाइस, इन एडिशन टू ऑर्डिनरी स्पिरिट्स यू कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब योर काय विच विल रिवॉर्ड यू विथ Magatama. Magatama are used on the skill menu to unlock section of the skill tree and open up new skill tree. Pata nahi kaise Magatama kya cheez hai? Go to your Sikodome kit. Can move again, right? Okay, ye chali gayi hai, right? Don't mess with Ikai from now on, okay? Okay. To ye chota sa bachche ka spirit tha yaar. Anyways, guys, main idhar uth chuka hu. चलो फटाक से देख लेता हूँ यार ये क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा था।
क्या स्किल ट्री यार, मेरे को समझ में नहीं आया यार। स्किल ट्री आई थिंक गाइस शेप दबाते हैं। अच्छा इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे क्या? नहीं तो किस चीज़ के, क्या है, क्या चीज़ कप्पा के बारे में? ये तो ठीक है, ये फाइल्स है, ये है ओके। शिकोदामा ए मिथिकल ऑर्गन परपोर्टेड टू बी द सोर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ एनर्जी। कप्पा ए टाइप ऑफ योकाई आर इन फेमस इन फोल्कलोर फॉर स्नैचिंग देम अवे फ्रॉम हेल्पलेस ह्यूमन विक्टिम। अच्छा ठीक है, इस चीज़ से मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। एनीवेज गाइस इधर ये वाला मिशन तो हो चुका है। ओह शिट गाइस, मेरे को लिटरली लगा ये एक भूत है। ओके चलो जी, अब देखते हैं, मुझे जाना पड़ेगा इस वाले श्राइन पे, तो इस बार भटकेंगे नहीं, मैं इस वाले श्राइन पे डेफिनेटली जाऊंगा। ठीक है, ये वाला श्राइन खोलेंगे तभी गाइस मैं मेज ऑफ डेथ में। मेज ऑफ डेथ कहाँ पे है यार? एंड यहाँ पे और एक कप्पा है यार, इधर और एक कप्पा है। एंड गाइस एक मिनट यार, मेन मिशन कहाँ पे था ब्रो? मेन मिशन तो लिटरली यही है ना, मेन मिशन ये है, मेन मिशन तो ये है ब्रो, तो मेन मिशन पे जाते हैं ना ब्रो, मेन मिशन में जाते हैं ना ब्रो। ये तब से उल्टा पुल्टा चीज क्यों कर रहा हूँ, मेन मिशन करते हैं ना ब्रो। चलो approximately 10 hours later finally guys मैं ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ। एंड गाइस एक मिनट गाइस, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे तो एक अलग ही चीज है। ये क्या है ब्रो? व्हाट इज दैट थिंग भाई? ओ शिट गाइस, इसने मेरे को अभी तक नहीं देखा है। सो गाइस मुझे पास में जाकर के इसको स्टेल्थ किल ही करना चाहिए आई थिंक। कैन आई स्टेल्थ किल? यस गाइस आई कैन स्टेल्थ किल हिम। और ये था क्या यार? गाइस ये अभी तक नहीं मरा है। शिट बाप रे बाप, गाइस ये तो काफी स्ट्रांग है यार। मेरे को लगा था मैं इसको स्टेल्थ किल से मार पाऊंगा, अब तो मर गया ना ब्रो। नहीं बट व्हाट आर यू ब्रो? ये चटरी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, देख लो। वो 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 चल बेटे, पानी का झटका खाएगा तू हैं? चल अपना कोर दे दे, अब तो तू खत्म होने ही वाला है, खत्म कर दिया मैं। एंड इससे मुझे काफ़ी सारे सिक्के मिले। ओके गाइस, एंड आई थिंक गाइस मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ गाइस। ओके फटाक से गाइस ये चीज़ें ले लेता हूँ क्योंकि मेरा इथर काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है सो लेट्स गो, देखते हैं फटाक से। यस गाइस मैं सही जा रहा हूँ आई गेस, खोलते हैं। एकदम टॉप फ्लोर में आ चुके हैं। एंड गाइस मेरे को क्लियरली श्राइन का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है तो पहले तो गाइस मुझे श्राइन को मुक्त करना पड़ेगा। मूम बॉय स्पिरिट, मतलब गाइस ये यहाँ पर किसी छोटे बच्चे का इधर आत्मा है। चलो मैं फटाक से ये सब चीज़ें ले लेता हूँ। ओके बाप रे, वो मोटा लेकिन काफ़ी खतरनाक था है, काफ़ी खतरनाक था वो मोटा। फाइनली गाइस यार बहुत ढूंढने के बाद आई एम इन द श्राइन। एंड गाइस जैसे कि देख पा रहे हो क्लियरली यहाँ पे एक स्लेंडर मैन है, इसने मेरे को अभी तक देखा नहीं है। एंड एक मिनट गाइस, ऊपर की तरफ तो एक भूत है यार। शिट इसको तो उड़ा दिया ब्रो, मैंने ऊपर वाला भूत देखा ही नहीं, मैंने लिटरली ऊपर वाला भूत देखा ही नहीं। ओके चलो गाइस इन, ओ शिट डिफेंस योर सेल्फ। ओके आ जा, चलो वाटर वेव। अरे ये वाटर वेव तो लगा ही नहीं या। इन दोनों को तो मारना पड़ेगा ब्रो, आई थिंक इससे ही मारना पड़ेगा। दोनों के कोर दे दो, एक तो गया, ये भी जाने वाला है। अरे जाता क्यों नहीं ब्रो, दे दे अपना कोर भी दे दे, ये भी गया, दूसरा स्लेंडर मैन भी गया। अब इनको मारना है, एंड इनको तो एक बहुत ही कमाल का मूव मारेंगे। आ जाइए, आप ख़त्म क्यों नहीं होते हो यार? ख़त्म आई थिंक शी इज़ नॉट फिनिश्ड। यार एक चीज़ हो रहा है यार मेरे साथ, मेरे को ये उड़ने वाला भूत काफ़ी परेशान कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पे तो ढेर सारे उड़ने वाले भूत हैं यार, यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे ढेर सारे उड़ने वाले भूत हैं। ये श्राइन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब श्राइन को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि मैं श्राइन को पवित्र ना कर दूँ। ठीक है अभी ये भूटिया जगह है ना ये श्राइन, तो इसीलिए रुक जा। वाटर वेव अटैक मारना ही पड़ेगा इन लोग के ऊपर, ये ले। और ये गाइस अभी तक नहीं लगा यार, अभी तक नहीं लगा मैं। चल आ जा,
अब तुम लोग जाने वाले हो। शिट गाइस, इन लोगों ने मेरा पावर काफी कम कर दिया है। ओके, लेट्स अटैक देम। ये ले। अरे गाइस, मेरा पावर उधर तक तो जा ही नहीं रहा है, सो मुझे क्या करना चाहिए? कैन आई यूज फायरबॉल टेक्निक? चलो गाइस, फायरबॉल टेक्निक यूज करते इन लोगों के ऊपर। और यू गाइस, जब मेरे पास फायरबॉल पावर और बचे हैं नहीं, ठीक है, तो जो करना पड़ेगा फटाक से करना पड़ेगा। एक को तो मैंने यार एक शॉट लगाया, एक मिनट गाइस, मुझे इसके ऊपर चढ़ लेना पड़ेगा। एंड नाउ आई थिंक आई कैन किल देम। शिट 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 शिट, यार मेरा काफ़ी खतरनाक अवस्था हो चुका है गाइस। मैं मरने वाला हूँ शायद से, ऐसा तो मर जाएंगे ब्रो, ऐसा तो मर जाएंगे मैन, अगर अपने आप को सेव नहीं करेंगे ना, ऐसा मर जाऊँगा। मर जा यार। गाइस नहीं 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 गाइस, मुझे ना विन वाला शक्ति ही यूज़ करना पड़ेगा। आई नीड टू यूज़ माई विन पावर, ठीक है, इन लोग के ऊपर विन पावर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी इन उड़ने वाले भूतों का सामना करा था। रुको यार, एंड पहले ना मैं इनको निपटा देता हूँ यार। और आप मरते क्यों नहीं यार, इनको तो उड़ा दिया। अब गाइस मेरा रास्ता क्लियर है, चलो फटाक से कुछ खा लेता हूँ। एंड नाउ चलो इस पे उठते हैं, आजा तेरी यो। ओके ये गया, ये गया। ओके चलो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, पवित्र कर देता हूँ श्राइन को। फाइनली गाइस, मैंने श्राइन को पवित्र कर ही दिया फाइनली। ओ बाप रे गाइस, यार इस श्राइन को मुक करने में थोड़ा सा वक्त लग गया है यार। उड़ने वाले भूतों को मारना थोड़ा सा मुश्किल है यार। चलो यार ये प्लेस कर देता हूँ, आत्माओं को मुक्त कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके अब गाइस मेन मिशन की तरफ जाना पड़ेगा यार। एंड गाइस इधर कोई पावर वावर मिलेगा क्या मुझे? पावर तो नहीं, बट व्हाट इज दिस थिंग? स्टन टेलिज्म। Stun telisms immobilize nearby visitors with their range for a short period of time when thrown. However, certain powerful visitors are immune to this effect, so be cautious using them. तो ये है एक stunt. ये guys एक stunt paper है. अगर मैं ये किसी visitor मतलब भूतों के ऊपर ये चीज मारूंगा, what is this thing? ये तो guys एक भूत है यार, देख रहे हो? और इनका बाल तो बड़ा हो रहा है यार. मैंने ले तो लिया. But what is that? Portrait of a spirit. A hanging scroll depicting a spirit. This type of art became widespread phenomenon. Okay. I don't know guys. Maybe in my arts ko sell kar paunga. Ki kya kar paunga pata nahi. So let's go guys. Ab main mission ke bahut zara kareeb hu. Jaise ki dekh pa rahe ho, main mission ye hai. Let's go. Shit. Ye order fir se aa gaya hai. Okay. Chalo. Inko use karte ye cheez. गाइज मजा आने वाला है, बट मैं अपने पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा? आ जाओ। ओह शिट शिट, ओह माय गॉड, व्हाई इज सी सो पावरफुल? अच्छा इनको यार थोड़ा सा यार डुबाना पड़ेगा, इनको पानी में डुबाना पड़ेगा। चलो गाइस मैं टेलिज्म यूज़ करता हूँ इनके ऊपर, एंड देन गाइस आई एम गोना यूज़ द पावर, ठीक है गाइस। लेकिन मेरा टेलिज्म क्यों कहाँ पे है? मेरा टेलिज्म ये रहा। शिट, अब चलो गाइस पावर यूज़ करते हैं आग वाला। नाउ आई एम गोना यूज़ माय फायरबॉल जुत्सु। खत्म ना? नहीं, शिट गाइस मेरा फायर पावर तो खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ गाइस मेरे पास ये विंड वाला पावर ही बचा है। अरे यार ये इतनी शक्तिशाली क्यों है यार? इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकते हो आप? लेट्स यूज दिस अगेन। इनको मारने के लिए मुझे क्या पीछे से मारना पड़ेगा? यस गाइस खत्म, आई थिंक खत्म। फाइनली गाइस मैंने इनको खत्म कर ही दिया, और इनको खत्म करने में मेरा यार 12 बज गया मैन। शिट यार, सी वाज सो पावरफुल यार, सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग यार, वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यार। चलो एंड इन लोगों के ऊपर भी यार एक कुछ लगा हुआ है, तो पहले तो गाइज ये चीज़ें मुझे
तोड़ना पड़ेगा. 1, 2, 3 लेट्स रिमूव द ब्लॉक एंड तुम लोग अब आ जाओ मेरे कच्ची रोके पास वापस. ओके तुम लोग भी आ जाओ यार. ये गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, ये गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया है. एंड गाइज अगर अभी तक आप लोग देख रहे हो ठीक है, एकदम पहले से शुरुआत से देख रहे हो इधर तक देख लिया तो गाइज सब्सक्राइब करके जाना. मुझे पता है आप लोग पसंद कर रहे हो एंड मुझे 70 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा. चलो ऊपर जा लेंगे, डोंट वरी. ऊपर जाने के लिए भी गाइज एक रास्ता है जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ. गाइज इधर योकाई है ना, वो रहा योकाई, पर उस योकाई के पास मैं जाऊँगा कैसे, उस योकाई के पास मैं जाऊंगा कैसे. बहुत ऊपर में जाना पड़ेगा ब्रो. आई थिंक गाइस मुझे इस तरफ से ही जाना पड़ेगा. हेलो डॉगी, ये मेरे को कुछ नहीं देगा ना. चलो स्पिरिट्स ले लेते हैं, लेट्स गो. ओह नो गाइस, देख रहे हो बिना मुंडी वाली लड़की है इधर. एंड गाइस इधर बिना मुंडी वाली लड़की ही नहीं, अबे ढेर सारे हैं. तो फटाक से एक चीज़ कर लेते हैं. मेरे पास ये पेपर कितना है, मेरे पेपर सिर्फ 2 ही है. तो फटाक से एक चीज़ करते ये एरो मारेंगे. ख़त्म ना, एक तो गई, दूसरी भी जाएगी. यस दूसरी भी गई एंड तीसरी तो डेफिनेटली हेडशॉट देंगे. ख़त्म, यस ख़त्म. ये एरो कितना पावरफुल है यार, ये एरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. चलो गाइस इस पेड़ को भी उड़ा देते हैं. यस लेट्स गो. अब मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं. दे दो सारे के सारे स्पिरिट्स, अपना पावर दे दो. मतलब पावर नहीं ले रहा हूँ यार, बस इन लोग को यार कच्चीरों में ले रहा हूँ ताकि इन लोग को मुक्त कर सकूँ. ठीक है लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. सिट गाइस, स्लेंडर मैन इधर एकदम यार सीनेरी को एंजॉय करते हुए. बट भाई पहले तो गाइस मैं आत्माओं को ले लेता हूँ एंड देन चलो गाइस इसको उड़ाते हैं. गाइस इसको मालूम ही नहीं पड़ा यार, मैंने आत्मा भी ले लिया इसके पीछे से. बट ही डिडंट न्यू दैट यार. मज़ा आ जाता है कभी कभार. चलो गाइस आत्माओं को भी बुक करके जाते हैं. इधर एक फ़ोन है तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी टू मुक्त द आत्माएँ. 1000 स्पिरिट्स को मैंने यार थोड़ी देर, मतलब बहुत कम समय में ही मैंने इतने सारे स्पिरिट्स को यार कैप्चर कर लिया है. ओके डन लेट्स गो. आई थिंक पहुंच गए राइट. ओके आप देयर. ओके गाइस इधर तो जा पाएंगे फॉर श्योर. गाइस इधर गाइस योकाई है तो डेफिनेटली योकाई मेरे को ऊपर लेके चल. ओके थैंक यू सो मच योकाई. पैसे हैं तो पैसे भी लेकर के जाएंगे. ओके फाइनली गाइस मेज ऑफ डेथ वाला मिशन मैं करने वाला हूँ अभी. लेट्स डू दिस मिशन यार, मेज ऑफ डेथ. एंड इधर तो ढेर सारे भूत हैं यार, कुछ एरोज भी हैं तो फटाक से ये ले लेता हूँ. एंड देन गाइस एक मिनट दोस्त. स्लेंडर बॉय हेलो. गया अरे आ जा. खत्म. शेट गाइस अब इन लोग को मारने के लिए मुझे अपना यार तीर यूज करना ही पड़ेगा. पहले तो मैं इसको मारूंगा. ये गया, एक तो गया. मेरे पास कितने 6 एरोज है. ओके पहले इसको मार लेता हूँ, इस चचुंदर को मार लेता हूँ. रुको अरे भाई तू मेरे साथ लड़ना क्यों चाहता है दोस्त. मतलब दोस्त तो है नहीं भाई साले. दे दे अपना स्पिरिट दे दे. अच्छा तुम्हारा एक भाई मर गया, तुमको शर्म नहीं आता मेरे साथ लड़ने के लिए. ये भी गया, ये भी गया. ओह शिट ये बच गया. ब्रो मेरे पास ज़्यादा एरोज बचे नहीं ठीक है. एंड मैंने बहुत ही यार कम समय में उड़ने वाले भूतों को मार दिया. एंड गाइस इधर तो ये रास्ता ब्लॉक है, बट ये वाला रास्ता ब्लॉक क्यों है यार. मे बी गाइस इधर कुछ होगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें. लेट्स फाइंड आउट.
हार्ट कहाँ पे? हार्ट हार्ट तो कतई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा हार्ट इधर है। ये नहीं जाएगा ना ब्रो, ये नहीं जाएगा। इधर जाने के लिए कोई रास्ता वास्ता है? एक मिनट, पहले तो फटाक से ये ले लेता हूँ एंड आई थिंक मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, अब ये मेन वाला मिशन मैं करने वाला हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 मच एक्साइटेड यार, वेरी मच एक्साइटेड। ये मेज ऑफ डेथ कैसा मिशन होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली अच्छा मिशन ही होगा। एंड गाइस ये देयर समथिंग ओवर देयर। ओके चलो गाइस, सर्च द श्राइन। तो इस श्राइन को सर्च करना पड़ेगा। फटाक से इसको पिक कर लेता हूँ। पता नहीं गाइस ये क्या है। हेड फॉर केगरी ऑब्जर्वेशन। ओके व्हाट इज दिस अगेन? द प्रेयर बीट्स टैप ऑफ द इन्वेंट्री मेनू हैज बीन अनलॉक। ओके फर्स्ट लेट्स ट्राई इक्विपिंग द सेट ऑफ प्रेयर बीट्स यू जस्ट फाउंड। बट ये है क्या चीज? प्रेयर बीट्स कहाँ पे चला गया? अच्छा यहाँ पे है। व्हाट इज दिस विन? अच्छा गाइज इससे पावर बढ़ जाएगा। गाइज मेरा विन पावर बढ़ जाएगा तो एक्यूब करने के लिए बस एंटर दबाना है एंड ये मेरे हाथ में आ चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है एंड ऐसे करके गाइज मैं और तीन चीज़ों को ले सकता हूँ। नाइस मेरे पास कुछ स्किल पॉइंट है। तो आई थिंक गाइज व्हाट इज दिस? ग्राउंड कोर ग्रैप। अच्छा ओके, जब नीचे गिर जाएंगे भूत तो मैं नीचे गिरने वाले भूतों से भी डायरेक्टली कोर ले सकता हूँ। ये पहले मैं नहीं कर सकता था बट मैं अब कर पाऊंगा। तो गाइस मजा आने वाला है अगले एपिसोड में। ठीक है मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे बढ़ो, बाय बाय, के सायोनारा। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड इस गेम को मैं बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ क्योंकि इस गेम के बारे एक बहुत ही कमाल का गेम मैंने डाउनलोड करके रख दिया है, लाइज ऑफ पी। ठीक है एक कमाल का गेम है एंड उसमें गाइस एक यार जादुई दुनिया में मैं जाने वाला हूँ एंड वो जादुई दुनिया में कुछ यार ऐसे बड़े बड़े खिलौने निकलने वाले हैं एंड वो खिलौने काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं। तो वो गेम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा एंड ये गेम तो खतरनाक है ही। इस गेम को मैं बहुत जल्द विद इन वन वीक मैं इस गेम को ख़त्म कर दूंगा फॉर श्योर गाइस। ठीक है बाय बाय, चेक यू, सायो नारा, लव यू।